फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन बॉलीवुड से दो बड़ी मूवी जो कि सिंघम अगेन एंड भूलभुलैया 3 का क्लैश हो रहा है आज। तो आज दिवाली है एंड आप सभी को हैप्पी दिवाली फर्स्ट। सो सिंघम 3 की बात करें, जो इसका कॉर्पोरेट रिव्यू है, जो इसका इनिशियल रिव्यू होता है, वो इतना अच्छा नहीं है। 2.5 की ऐसे रेटिंग मिल रहा है। सो आई एक्सपेक्ट करता हूँ कि अच्छा निकले मूवी। तो मूवी में तो बहुत सारे स्टार कास्ट है, बहुत ही बड़े बड़े स्टार कास्ट है एंड बहुत सारे केमियो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। सो आई एक्सपेक्ट कि अच्छा निकल के आए। सो अभी कुछ देर के बाद इसका जो इनिशियल रिव्यू है वो भी आ जाएगा एंड पब्लिक का रिएक्शन भी आ जाएगा कि कैसा है मूवी को लेकर। एंड ये भी डिपेंड करता है कि अब मूवी कैसे चलेगा, वो डिपेंड करता है कि मूवी कैसे निकल के आता है, पब्लिक कितना प्यार दे रहे हैं मूवी को। सो सेम केस भूलभुलैया 3 के लिए भी होगा। सो देखते हैं इसके इनिशियल रिव्यू निकल के आ जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। एंड अगर कलेक्शन की बात करें तो उसे शायद सिंघम 3 40 करोड़ क्रॉस कर सकता है मे बी। अगर भूलभुलैया 3 इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो ये आराम से क्रॉस कर लेगी। अदरवाइज इंडिया से ये थोड़ा मतलब नहीं लग रहा है कि 40 करोड़ प्लस होगा। सिंघम 3 के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा खासा तगड़ा कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है। सो देखते हैं, आज जब रिव्यू आएगा, जब पब्लिक रिएक्शन आएगा, तब देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।